हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के मैं अपने इस वीडियो में आपको स्क्वायर रूट्स वाई लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताऊंगा। तो स्क्वायर रूट्स कई मेथड से निकलता है, लेकिन आज हम आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना सिखाएंगे। इसके लिए आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूं। जैसे आपको 961 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है और लॉन्ग डिवीजन से, इसके लिए आपको देखिए क्या करना है। हम इसमें 2-2 की पेयरिंग करेंगे, लेकिन राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में जाएंगे। तो 2 की पेयरिंग में आपका ये हो गया। अब हमारा बचा 9। तो इस 9 में हम टेबल पढ़ेंगे, लेकिन हमें टेबल स्क्वायर में पढ़नी होगी। जैसे 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। तो 3 3 जा 9 आपका परफेक्ट आ रहा है। तो 3 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9। लाइन खींच के आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे बच गया कुछ नहीं, कुछ नहीं बचेगा। अब हम जो उतारेंगे तो पूरा पेयर उतारेंगे, यानी कि 61। और इधर आप देखिए, जितना नंबर ऊपर लिखा है उतना ही हम नंबर नीचे लिख के इसको ऐड करके नीचे लिखेंगे, हो गया 6। राइट बेटा, अब देखिए आप, अगर हम 16 अब अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 ऊपर भी लिखना पड़ेगा और नीचे भी, यानी कि 61 की अगर हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 61 1 जा 61, यानी कि 61 61। इस तरीके से हमारा जो है 961 का स्क्वायर जो है रूट 61 आंसर आएगा। अब आप देखिए, सेकंड एग्जांपल दिखाता हूं आपको। 1089, 1089 का हमें निकालना है। तो सेम वैसे ही करेंगे, 2-2 की पेयरिंग राइट टू लेफ्ट। अब आप इसमें देखिए, ये 89 का पेयर बन गया और ये 10। अब हम टेबल पढ़ेंगे, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, यानी कि 3 3 9 और 4 4 16 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 का पहाड़ पढ़ेंगे, 3 3 जा 9। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 10 में से 9 गया 1 और 89 पूरा पेयर उतर जाएगा। इधर आप देखिए, ऊपर 3 लिखा है तो नीचे भी 3 लिख के ऐड करेंगे तो 3 प्लस 3 6। अब देखिए, इस तरीके से आप अंदाज लगा सकते हैं कि 6 की टेबल में कितनी टाइम से आता है, यानी कि 6 की टेबल में 18, 6 3 18, तो 3 लेके देखिए, तो यानी कि क्या हुआ, 63 की हम मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, यानी कि 63 3 जा, यानी कि 63 3 जा। अब मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9 और 3 8 6 3 18। इस तरीके से हमारा 1089 का जो है रूट 33 आएगा। अनदर मोर एग्जांपल वी टेक, देखिए आप, 1 2 5 4 4। अब देखिए आप, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राइट टू लेफ्ट हम पेयरिंग करेंगे, 44 25 और 1। अब देखिए इसमें क्या है कि वो 1 1 1 2 2 4, तो 1 1 जा 1। सब्ट्रैक्ट करिए, कुछ नहीं बचेगा, पूरा पेयर 25 का उतरेगा। 1 में 1 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2। अब अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 की 1 से करना पड़ेगा, तो 21 की 1 से करेंगे तो 21। सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो 5 में से 1 गया 4, पूरा आप पेयर उतारेंगे 44। जितना ऊपर हमने लिखा था 1, उतना ही हम नीचे लिख के ऐड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 22। ठीक है, अब अगर हम 22 की 2 से करते हैं तो 2 ऊपर भी लिखना पड़ेगा और नीचे भी, यानी कि 22, यानी कि 222 की हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 2 ऊपर भी लिखेंगे 2 नीचे भी लिखेंगे, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। राइट, तो इस तरीके से रूट 12544 का आंसर जो है 112। गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें,
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।